भदोही से खबर आ रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किसान बिल पास को लेकर किया विरोध। आइए देखते हैं क्या है खबर। किसान विरोधी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। विरोधी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। शुक्रवार को भदोही जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देव नारायण यादव के नेतृत्व में किसान बिल के खिलाफ विकास भवन के सामने अपना विरोध जाहिर करते हुए नारेबाजी की और सरकार विरोधी नारेबाजी की गई। मौके पर उपस्थित जिले के समस्त पद अधिकारियों, कांग्रेस सब लोगों ने सरकार की किसान विरोधी नीतियों का पुरजोर विरोध किया। जिला अध्यक्ष देव नारायण यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो एक कृषि बिल लेकर आई है, ये सरासर किसानों के साथ बेईमानी है और इस बिल में MSP को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और अपना विरोध जाहिर किया। इस सरकार द्वारा जो किसानों के प्रति अपना रवैया है वो जग जाहिर होते दिख रहा है। सीधी सीधी किसानों को गुलाम बनाने की जो नीति अपनाई है उससे हमारे देश के किसान परेशान हैं। यही देश के किसान इस गूंगी बहरी और हिटलर शाही सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। भदोही से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? कांग्रेस अध्यक्ष देव नारायण यादव। आज किस तरीके से आप लोग धरना प्रदर्शन किए? देखिए, मोदी सरकार किसानों के विरोध में काम कर रही है और जो ये बिल किसानों के विरोध में लाई हुई है और ये जो लागू कराना चाह रही है कहीं से उचित नहीं है। इसमें किसानों का कहीं से हित नहीं हो रहा है, किसानों के साथ बहुत गलत कर रही है। आने वाले समय में हमारे किसान परेशान हो जाएंगे। वैसे भी मेरे किसान बराबर परेशान हैं और आत्महत्या करते जा रहे हैं और ये किसान विरोधी सरकार है और मोदी कि ये सरकार हमेशा किसानों के विरोध में काम कर रही है कि मिनिमम समर्थन मूल्य लागू किया जाए। दूसरी बात है जो उद्योगपतियों को, ये उद्योगपतियों को सब कुछ देना चाह रहे हैं, किसानों के की जो लागत मूल्य है उसका निर्धारण अब उद्योगपति लोग करेंगे, अब किसान कुछ नहीं कर पाएगा। अब सरकार भी ये जो है वो किसानों के विरोध में पूरी तरह से एक काला कानून ला दी है और इस काला कानून का हम लोग विरोध करते हैं। हम लोग किसान भाइयों के समर्थन में हैं और समर्थन करते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी और हमारी प्रियंका गांधी जी किसानों के पक्ष में हमेशा रहती हैं और रहेंगी, और कांग्रेस पार्टी हमेशा रही है और रहेगी। माननीय PM साहब को तो इतना कहेंगे कि कम से कम कुछ तो नहीं कर रहे तो कम से कम किसानों के लिए तो करिए। आपने बोला था किसानों की आय दुगुनी होगी, यहाँ तक किसानों को जो है रसातल में छोड़ दिए हैं और काला कानून ले आकर किसानों को एकदम पूरी तरह से बर्बाद करने का इन्होंने जिम्मा उठाया है। मैं तो कहूँगा कि सरकार इस बिल को वापस ले।